फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ ट्राई कलर ढोकला फॉर इंडिपेंडेंस डे। तो चलिए बनाते हैं ट्राई कलर ढोकला। तो इसके लिए मैंने एक कटोरी रवा ले लिया है और उसमें फिर ये एक दूसरी छोटी कटोरी से मैंने एक कटोरी दही ले लिया है, ठीक है। एक चम्मच नमक, दो चम्मच शक्कर, अब इन सबको डाल के मिक्स कर लेंगे, ठीक है। अभी इन सबको अच्छे से आपस में मिक्स कर लेंगे, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करना है, थोड़ा और पानी जाएगा। पानी डाल के इसको ऐसे, अभी इसको 10 से 15 मिनट रेस्टिंग पे छोड़ देंगे ताकि हमारा सूजी अच्छे से फूल जाए, ठीक है। अभी इसमें डाल देंगे एक पैकेट इनो का, और थोड़ा सा पानी इसके ऊपर, और इसको जेंटली मिक्स कर लेंगे। अभी इस बैटर को ना तीन हिस्से में हम कर लेते हैं। अभी एक में ग्रीन कलर डालेंगे और एक में अपना केसरी कलर डालेंगे, सॉरी। अभी अब ऑरेंज वाले को मिक्स कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा व्हाइट कलर हो गया, ये हमारा ग्रीन कलर हो गया और ये हमारा ऑरेंज कलर हो गया। अभी इससे हम बनाएंगे अपना ट्राई कलर ढोकला। तो इसके लिए हम एक ऐसा केक, मैंने ऐसा केक टिन ले लिया है। अभी ऐसे एक साइड इधर डाल देंगे हम अपना ग्रीन कलर वाला, ग्रीन कलर डाल देंगे। और अभी इसके ऊपर डाल देंगे अपना ऑरेंज कलर, और इसको अच्छे से ऐसे टैप कर लेंगे। कढ़ाई में पानी डाल के एक स्टैंड डाल के रख लिया था, अभी इसके ऊपर ये रख देंगे और इसको 15 मिनट तक इसको ढक के पकाएंगे। तो ये हमारा रेडी हो गया ट्राई कलर ढोकला। ये मुझे 20 मिनट लग गए इसको पकाने में। देखो ये साइड से छोड़ दिया ना, तो इसका मतलब हमारा ढोकला पक गया है, ठीक है। मुझे देखो बन गया हमारा ट्राई कलर ढोकला, वो भी सिर्फ सूजी और दही से। ऐसे अभी इसके ऊपर अपना चाशनी फैला देंगे। अभी आप इसको अपने मनचाहे शेप में काट लो, ठीक है।